मनुष्य सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। सोचते सोचते कभी कभी थक जाता है। कभी कभी अधिक सोचने के कारण सिर दर्द भी हो जाता है। अधिक सोचने के कारण लकवा टेक भी होता है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी भी हो जाती है। लेकिन एक लिमिट भर सोचना चाहिए। क्योंकि अधिक सोचने से तुम्हारी सुंदरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बैठे रहने से भी सुंदरता कम हो जाती है। समय पर भोजन और जल ग्रहण न करने से भी सुंदरता कम हो जाती है। गहरी नींद न सोने से भी सुंदरता कम है। नंबर 3 आत्मा है। आत्मा अमर है, मन शरीर और आत्मा बीच का सेतु है। शरीर नश्वर है, शरीर क्षण भंगुर है, शरीर अमर नहीं हो सकता है। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। अब विचार ये करना है कि तुम शरीर हो, कि तुम मन हो, कि तुम आत्मा हो। यदि तुम आत्मा हो तो फिर तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। और यदि तुम मन हो तो मन तो बदलता रहता है। सुबह तुम कहते हो मेरा मन खुश है, शाम को कहते हो मेरा मन बहुत नाराज है, रात में कहते हो मेरे मन में बहुत गुस्सा भरी है। ये मन जो बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो आत्मा नहीं हो सकता है। इसका मतलब तुम मन नहीं हो। तो क्या तुम शरीर हो गंगाराम? तुम शरीर हो। यदि तुम शरीर हो तो शरीर तो परिवर्तनशील है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से शरीर में परिवर्तन होता है। छोटा सा बच्चा 1.5 किलो का वजन, 2 किलो का वजन बच्चा पैदा होता है। धीरे 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 इतना परिवर्तन होता है कि तुम 80 किलो के हो जाते हो, और कितने लोग तो 2 क्विंटल के भी हो जाते हैं। एक महिला का वजन 5 क्विंटल है। भैंस भी उसके सामने हल्की है। अगर वो भैंस के पास खड़ी हो जाए तो भैंस को भी संदेह हो जाएगा कि मैं भैंस हूं कि ये भैंस है। और गुजरात में 2.5 क्विंटल के पुरुष हमने देखा है। एक बेड पर वो अकेले बैठते हैं। डबल बेड उनको अकेले चाहिए।
पत्नी को भी बिठाना हो लेटाना हो तो ट्रिपल बेड चाहिए। और शरीर में जब मांस बढ़ने लगे तो ये चिंता का विषय है। फिर व्यायाम बढ़ाइए, दौड़ना शुरू करिए, योगा शुरू करिए, खेत में काम कीजिए, खाना कम कर दीजिए, सोना भी थोड़ा कम कीजिए। अधिक आराम करने से भी शरीर में मांस बढ़ता है, अधिक सब्जी खाने से भी मांस बढ़ता है, इसलिए बहुत सब्जी भी मत खाना। और मांस खाने से तो मांस बढ़ता ही है, इसलिए मांस तो बिल्कुल मत खाना। शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए, व्यसन मुक्त जीवन बनाइए, कोई नशा ना हो। गुजरात में एक व्यक्ति शराब पीकर आ रहा था, सामने से एक गुजराती महिला, धनवान परिवार की स्त्री आ रही थी। सकरी गली में दोनों गुजर रहे थे, दोनों आमने सामने टकरा गए। शराबी भी गिर पड़ा और वो महिला भी गिर पड़ी। चोट तो दोनों को नहीं लगी, लेकिन उस महिला को ज्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आई। उस महिला ने कहा कि शराब पी पी कर चलते हो, अंधे हो, देखते नहीं, जितने चप्पल मारूंगी सब नशा ठिकाने लग जाएगा। चप्पल का नाम सुनते ही शराबी होश में आ गया। शराबी का चप्पल से कई बार मुकाबला पड़ चुका था, इसलिए चप्पल का नाम सुनते ही शराबी ने आंखें खोली। पुरानी यादें आ गईं कि बहुत चप्पल खा चुका हूं, सौ सौ चप्पल खाए, तमाशा घुस के देखे, कितना बर्बाद हो गए शराब पी पी कर लोग, कितना बर्बाद हो गए लोगों के दांत और पैसे जर्दा खा खा कर, कितना बर्बाद हो गई लोगों की सुंदर ओंठें बीड़ी और तंबाकू के कचड़े से, धुएं से, कितनी बर्बाद हो गई तुम्हारी संपदा जुआ और सट्टा के चक्कर में। लेकिन ये मनुष्य अब भी सोया हुआ है, ये बर्बाद होता जा रहा है। कभी कहता है मनुष्य का जीवन मिला है, इसे बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, तो क्या कर फिर? करने को भजन, तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इस दुनिया को आबाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है। जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको धन दिया है, मकान दिया है, जमीन दिया है, उसे सुरक्षित आने वाली पीढ़ी को लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है। बेचकर दारू पीने का हक आपका नहीं है, जमीन बेचकर जुआ सट्टा खेलने का अधिकार आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बाप की है, तुम्हारे बाप की नहीं, बाप के बाप की है। बाप के बाप की संपत्ति आपकी नहीं है, फिर आप जिसके बाप है उसकी संपत्ति है। तो अपने बेटों को वो संपत्ति दे कर जाइए, उसको बर्बाद मत कीजिए, तब मनुष्य जीवन पाना सार्थक का।